तो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज हम लेने वाले हैं पापा जी के लिए एक नई स्कूटी। तो जैसे कि हमारे घर में तीन तीन बाइक खड़ी है, पर हमारे श्रीमान पिताजी बाइक नहीं चलाते, उनको पसंद ही नहीं चलाना। पता नहीं उनको डर लगता है या फिर क्या चीज है, वो चलाते ही नहीं है। तो मतलब कहीं भी जाना हो तो या तो ऑटो में या फिर हमारे साथ जाते हैं। तो एक खुद का व्हीकल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार हम घर में नहीं होते तो उस टाइम पे जाना पड़ जाए या फिर कोई अर्जेंट काम हो तो उसके लिए चाहिए व्हीकल एक। पर वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि मुझे स्कूटी दिला दो, मैं स्कूटी चला लूंगा। तो इसलिए एक स्कूटी लेनी ही पड़ेगी पापा जी के लिए। और मैंने एक बार पापा जी से प्रॉमिस भी किया था कि मैं पक्का आपको दिलाऊंगा स्कूटी, और फाइनली वो टाइम अब आ गया है तो अब लेंगे। और पापा जी को यहीं पे जाना होता है आसपास में, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि चार्जिंग वाली ले लें, वो बेस्ट रहेगी। वो हल्की भी होती है और इजी भी है चलाने में, बाकी देख लेंगे जाके। और पापा जी खुद भी कह रहे हैं कि मुझे चार्जिंग वाली स्कूटी चाहिए, तो देखते हैं क्या रहता है सीन। तो अभी टाइम हो रहा है 12 और बाहर आई है मस्त धूप, आपको दिखाता हूं मैं। तो चलो चलते हैं बाहर। और आज खाने में है मस्त ओट्स, मैंने अभी बनाए थे, तो चलो इनको ऊपर लेके चलते हैं और खाएंगे ऊपर बैठ के धूप में मस्त। यहाँ पे बहुत ठंड हो रही थी, फाइनली बहुत दिनों बाद धूप आई। धूप आई है पर फिर भी ठंड हो रही है बहुत यहाँ पे। अब खाते हैं धूप में मस्त बैठ के, उसके बाद चलते हैं निर्मल भैया के पास, क्योंकि उनको पता है शॉप्स के बारे में, स्कूटी के बारे में, तो वो थोड़ा दिखा देंगे अच्छी तरह, और फिर हम कर लेंगे चूज कौन सी लेनी है। वैसे पापा जी को आती है चलानी, थोड़ी बहुत तो आती है, बाइक भी आती है, लेकिन वो चलाते नहीं है। लेकिन अब स्कूटी आएगी तो वो चलाएंगे, वो यहीं पे सीख लेंगे सोसाइटी में, काफी खुली रोड है सोसाइटी की, तो सही रहेगा। और सबसे मेन बात ये है कि घर में किसी को नहीं पता कि मैं स्कूटी ले रहा हूँ, सिर्फ मम्मी के अलावा। मैंने मम्मी जी को बताया बस, और किसी को नहीं बताया। बहुत ही खुशी हो रही है, अभी चलते हैं। मैंने फोन किया है निरुल भैया को, वो कह रहे हैं आ जाओ देख के आते हैं पहले, और फिर शायद कल ले लेंगे। तो आज हम जाएंगे इनोवा में, और अब देखो मौसम, धूप जो है चली गई है और ठंड बहुत ही बढ़ गई। अब बहुत दिनों बाद इनोवा चलाएंगे आज। स्कूटी तो बहुत सारी है यार, एक से एक बहुत सारी आ गई चार्ज वाली, देख लेंगे। तो गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और अब जा रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे है पहला शोरूम। अरे अभी मकर संक्रांति पे बहुत बिकी थी गाड़ियाँ हमारी। ठीक है, देख लेते चलो। ये तो नहीं है, 5 दिन नहीं चलाई तो फिर बंद हो गई वाला, तो नहीं है ना? ठीक है, हाँ कीले है, ये काफी सही है। चलो ये भी देख ली, कौन सी कंपनी की है? तो इसमें ये है मीडियम, वो हाई है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है। स्पीड तो कम ही चाहिए भाई। तो अभी ये स्कूटी पसंद आई है, इसकी लेते हैं टेस्ट ड्राइव और देखते हैं कैसी है। सो गोइंग फॉर टेस्ट ड्राइव, ये हाँ ये ले लेते हैं। सबसे बढ़िया ये वाली मिलेगी, मिल जाएगी चलाने के लिए, चलाने के लिए मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। चलो इसकी भी लेंगे टेस्ट ड्राइव। मैं बैठता हूँ, रुको चलो। तो ये स्कूटी सही लग रही है, लेके भाग जाए। अब मैं चलाता हूँ, मोड़ो मोड़ो। ये चलानी है, हाँ यही तो चलानी है। तो ये बैठ गए हमारे राइडर निर्मल भैया, चलाइए स्टैंड। तो भी हमको ये वाली अच्छी लगी है, लेकिन अभी और देखेंगे, दो तीन शोरूम और है वहाँ पे चलते हैं और वो भी देख के आते हैं। आज सारी स्कूटी छान देंगे हम। अब चलते हैं हम तीसरी जगह। तो अभी इसके लेते हैं टेस्ट ड्राइव, तो देखते कैसी है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, बूट स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी आए हैं हम चौथी जगह पे। तो ये है हीरो की, इसकी बूट स्पेस देगी। अरे ये तो देखते खत्म हो गया। तो अभी गाइस हीरो भी देख लिया और अभी हम कुछ खाते हैं, कुलदीप मोमोज, यहाँ के फेमस मोमोज। दो फुल आप? नहीं नहीं एक फुल, एक फुल, एक फुल। बहुत टाइम बाद खा रहे हैं मोमोज।
अरे वाह मक्खन के साथ, देखते ही मुँह में पानी आ गया हमारे, टेस्टी टेस्टी, चलो खाते हैं। तो भी गाइस ये स्कूटी है, ये क्रॉस बाइक की, ये आई है पसंद हमको। तो भी गाइस ये सामने है राइड ईवी, तो यहाँ पे हमको पसंद आई स्कूटी। हेलो भैया थैंक यू। अरे ग्लैड टू हेल्प यू ब्रो, आपकी कृपा है। मेरी कृपा है। दाल चटनी खाओ समोसे के साथ। तो अभी गाइस स्कूटी हो गई फाइनल, दो ढाई घंटे हो गए, पांच छह जगह पे घुमाए और फाइनली चलो स्कूटी पसंद आ गई और अब वही लेंगे लास्ट वाली। अंकल के लिए सही है क्योंकि ना बहुत स्मूथली उठ रही है और स्मूथली चल रही है, तो अच्छी है वो, अंकल के लिए सही है और हाइट भी सही है उसकी, सही है, बूट स्पेस भी अच्छा है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, रिवर्स भी है उसमें। चलो फिलहाल चलते हैं। चलो ठीक है भैया, चलो बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं अब कल। ओके थैंक यू बाय। तो भैया को छोड़ दिया है उनके शोरूम में, हम चलते हैं अब घर पे। फाइनली पहुंच गए हैं घर पे। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो आज है संडे और हम स्कूटी देख के आए थे थर्सडे को, तो दो दिन बीत गए हैं हम स्कूटी लेके नहीं आए। तो हमारा प्लान था स्कूटी को फ्राइडे को लाने का, पर हम लेके नहीं आ पाए बिकॉज पापा जी आए रात को 7 बजे अंधेरा होने के बाद, तो रात को लाने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज अंधेरा हो जाएगा और पापा जी अच्छी तरह देख भी नहीं पाएंगे और चला भी नहीं पाएंगे और कोई रिएक्शन भी नहीं आएगा रात को। और अगले दिन था शनिवार, शनिवार को यहाँ की पूरी मार्केट बंद रहती है, पर आज दो दिन बाद संडे को हम लेके आएंगे स्कूटी फाइनली और मैं शूट कर रहा हूँ बारिश में खड़े होके। तो ठीक है फिलहाल बज रहे हैं 9 और 10 बजे के आसपास खुलेगी मार्केट, तब चलेंगे निरुण भैया के साथ, वही है हमारे साथ ही। फिलहाल तो बस एक ही दिक्कत है कि बारिश ना हो तेज, हल्की हल्की तो हो रही है अभी, बस ऐसी होती रहे कोई दिक्कत नहीं है, ले आएंगे स्कूटी। चलते हैं फिलहाल घर पे और निकलते हैं बस थोड़ी देर में। लो ये देखो मैं घर आया और घर आती बारिश शुरू, तो चलो गाइस निकलते हैं, लेकिन बाहर हो रही है बारिश। अरे यार लेकिन आज तो कुछ भी हो जाए स्कूटी लेके आएंगे, दो दिन पहले ही लेट हो गए हम। तो भी गाइस जा रहे हैं स्कूटी लेने के लिए, पर बाहर हो रही है बारिश, ये देखो अगर हल्की होती ना तो हम बाइक में जाके ले आते, पर अब गाड़ी में ही जाना पड़ेगा हमको स्कूटी लेने के लिए। देखते हैं काश बारिश रुक जाए हमारे वहाँ पहुँचने तक, या फिर हम डिलीवरी लें उस टाइम बारिश रुक जाए तो हम स्कूटी को ला पाए यहाँ पे। तो चलो पहले चलते हैं निरुल भैया के पास, फिर चलेंगे उनके साथ स्कूटी की शॉप पे और फिर लेंगे डिलीवरी। तो चलो, तो गाइस फिलहाल पहुँच गए हैं और आ गए निरुल भैया, चलो चलते हैं अब। तो गाइस ये है स्कूटी जो हम ले रहे हैं, ये कोने वाली, इसको फिलहाल बाहर निकाल रहे हैं। तो चलो अब करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। ये डिफिकल्ट वाला मेरे को ले लिया। तो गाइस काफी प्यारी लग रही है, तो हमने लिया है व्हाइट एंड ब्लैक कलर, भाई स्क्रीन मस्त है टीएफटी। तो अभी इसमें चार्जिंग नहीं है तो चार्ज लगाते हैं थोड़ी देर। अच्छा ये नीचे भी चलने के लिए होगा ना। तो इसके फीचर ये रिवर्स है और ये है क्रूज कंट्रोल, वाह, ये पार्किंग है और ये हॉर्न है, ये इंडिकेटर और इसमें हजार लाइट भी है, ये देखो जलाओ, सब कुछ मस्त है, स्क्रीन भी मस्त है और बूट स्पेस भी अच्छा है इसमें और कलर तो बहुत प्यारा है। अरे वाह सेटिस्फाइंग, अरे वाह चार्जिंग भी है, भाई क्या क्या इसमें सब कुछ है यार, जो हमको चाहिए था सब कुछ हमको मिल गया इसमें, तो इसलिए हमने ये लिया। तो ये ना पूरी मतलब XUV 700 जैसी हो रही है, सारे फीचर दे रखे हैं सब कुछ, भाई मजा आ गया। मजा आ गया भाई, मेरी जिंदगी में भी नहीं है, मेरे उसमें सिर्फ रिवर्स है एक। तो हम इसके लिए बहुत घूमे, बहुत हमने चक्कर काटे, तब जाके ये मिली है इतनी बढ़िया फाइनली, वरना इतनी सारी देखी ना हमने दिमाग खराब हो गया, पर ये वाली बेस्ट लगी, सब कुछ है इसमें। और मेन तो इसकी सीट है, सीट बहुत चौड़ी है तो सही है, मम्मी जी बैठ जाएगी साथ में। कांग्रेचुलेशंस सर, थैंक यू फॉर योर न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल, फॉर जॉइनिंग द ग्रीन एंड क्लीन रेवोल्यूशन, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। बारिश हो रही है बहुत तेज, ये देखो आप देख ही सकते हो। तो चलो गाइस लेके चलते हैं स्कूटी को, आज लेनी थी तो ले ली, चाहे बारिश हो तूफान हो। तो ये आ रहे भैया गाड़ी में इनोवा में और हम चल रहे हैं स्कूटी में मस्त, और फिलहाल इसमें बैटरी बहुत कम है तो ये चल रही है ओनली 25। और ये देखो लेग रूम भी इसका बहुत अच्छा है, पूरी कंफर्टेबल स्कूटी है, ये देखो पूरे भीग गए। तो अभी गाइस मैं यूज कर रहा हूँ क्रूज कंट्रोल, मैंने यहाँ से हाथ छोड़ रखे है, रेस देने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस चलती रहेगी अपने आप।
फाइनली गाइस पहुंच गए हैं घर पे। अब देखते हैं रिएक्शन। और एक बढ़िया बात होगी कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। ये देखो यहाँ बारिश रुकी हुई है। आ जाओ आ जाओ। आपकी नई स्कूटी? क्या मेरी लिए स्कूटी? हाँ सच्ची में इलेक्ट्रिक स्कूटी सच्ची में? ऐसे कैसे भाई सच्ची में? चला के देखो चला। सच्ची बता। हाँ इलेक्ट्रिक ली थी मैंने पापा जी के लिए। ठीक है इलेक्ट्रिक। अरे वाह चला ली चला ली चला ली। कैसी लगी? कैसी लगी? मस्त है भाई। मस्त है ना? मस्त है भाई। मस्त है। अरे बधाई बधाई। इसने मेरे को आज से नहीं एक साल पहले कहा था स्कूटी लेके आऊंगा। कहा था ना? एक साल पहले। आती है देखो आती है ना? आती है। तो गाइस पापा जी बहुत ही खुश हैं। तो बस यही चाहिए था। कैसा लगा था हमारे को अपने बेटे का ये वाला गिफ्ट? मेरे को तो पता था मैंने बताया नहीं बस। तो फिलहाल स्कूटी को लगा दिया अंदर। आ जाओ मम्मी जी ने मस्त पकौड़े बनाए हैं। और नई स्कूटी आ गई। और देख ली कैसी लगी? अच्छी नहीं। चला लोगे आप? आसान है। कैसी लगी? बहुत बड़ी स्कूटी के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो फाइनली स्कूटी घर पे आ गई है। यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत चलाई सोसाइटी में। पापा जी थोड़ी देर में ही परफेक्ट हो गए चलाने में जबकि उन्होंने कब से नहीं चलाई। तो बस अब मैं यही कहूंगा कि अपने पेरेंट्स को खुश रखो। सब बढ़िया रहेगा सब अच्छा रहेगा। बाकी पापा जी बहुत खुश हैं और घर में सब खुश हैं। और अगर निर्मल भैया नहीं होते तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। तो उन्होंने काफी हेल्प करी। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। बताना कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर। बाय बाय। लव यू ऑल। बाय।